हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है थोड़ा साडे यूट्यूब चैनल पैरी स्टडी ऑनलाइन ते। क्लास सैवंथ टॉपिक है अपना एरिया पैरीमीटर एक्सरसाइज 15.4। 15.4 दे विच आपां सर्कल दे बारे डिस्कस करना है, पर सब तो पहले आपां नूं पता होना चाहिए सर्कल की हुंदा। तो सब तो पहला सर्कल दी इंट्रोडक्शन करदे आपां। देखो सर्कल की हुंदा, दैट इज़ अ फिक्सड पॉइंट। इत्थे कोई फिक्सड पॉइंट है, इह तों फिक्सड डिस्टेंस ते आपां कुछ डॉट लगाते, इस तरह फिक्सड डिस्टेंस ते आपां कुछ डॉट लगाते जदों इन्हां नूं जॉइन किया गया, सो दे आर फॉर्मिंग अ सर्कल। तो आप इनू की कह सकते हैं सर्कल। सर्कल की हुंदा, कलैक्शन ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन, कलैक्शन ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ फिक्सड डिस्टेंस, विच आर एट अ फिक्सड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्सड पॉइंट, फ्रॉम अ फिक्सड पॉइंट। देखो कलैक्शन ऑफ पॉइंट्स होंगे जेड़े की है फिक्सड डिस्टेंस से, आ कुछ पक्की दूरी पर आ, दैट डिस्टेंस ओके, एंड दैट पॉइंट इज फिक्सड पॉइंट। अ फिक्सड पॉइंट, फिक्स पॉइंट इज सेंटर एंड फिक्सड डिस्टेंस इज रेडियस। जो ये फिक्सड पॉइंट है इनू आप नाम जानते हैं सेंटर। सेंटर आप मोस्टली कहना लिखते हैं ओ नाल। तो जो ये डिस्टेंस है दैट इज आर, आर मीनस रेडियस। सेंटर इज रीप्रजेंटेड एज ओ एंड रेडियस इज रिटन विद आर। सेंटर नूं कांदा लिखदे आपां ओ नाल ते रेडियस नूं कांदा लिखदे आपां आर नाल। इसी अपने को सर्कल दे बारे थोड़ी जी जानकारी। हुण जो आपां मेन चीज़ डिस्कस करनी है सर्कल दा, मेनली आपां नाइन्थ क्लास च आएगा उदों आपां पढ़ांगे इहदे बारे फुल डिटेल च। पर आपां इहदे बारे हुण की पढ़ांगे, इहदा पैरीमीटर की हुंदा ते इहदा एरिया की हुंदा। हुण देखो सब तो पहला पैरीमीटर, पैरीमीटर ऑफ सर्कल, पैरीमीटर ऑफ आ सर्कल, जिसनूं सरकमफेरेंस भी कहते हैं, सरकमफेरेंस भी कहते हैं। पैरीमीटर का मतलब की है, मान लो इत्थे मैं कि इत्थों चलना स्टार्ट किया, इंदे साइड ते अलोंग अलोंग चलना स्टार्ट किया, मैं इस तरह वापस घूम के मैं इत्थे आ गया, सो दैट इज़ कॉल्ड एज सरकमफेरेंस और पैरीमीटर। आपां सरकमफेरेंस नूं कहदे नाल लिखिया सी नाल, या आपां इहनूं कहदे नाल लिख सकते हैं पी नाल, पी फॉर पैरीमीटर, सी फॉर सरकमफेरेंस, दोवें एक ही गल है ओके। हुण इहनूं आपां लिखांगे कि फॉर्मूला की हुंदा, 2πr। सर्कल का जो पैरीमीटर या सरकमफेरेंस है दैट इज़ इक्वल टू 2πr। पाई एक नवी चीज़ है तुहाडे वास्ते, पी आई इन आ साइन है पाई, पाई की वैल्यू हुंदी है, पाई की वैल्यू कितनी हुंदी है 22/7। हरेक क्वेश्चन दे विच फिक्स वैल्यू हुंदी है पाई की, दैट इज़ 22/7। जिवें अपने कोल एक क्वेश्चन आ गया, फाइंड अ पैरीमीटर ऑफ सर्कल विद रेडियस 7 cm। हुण सर्कल है जिंदी रेडियस किन्नी गिवन है, मैनू 7 cm। मैं सरकमफेरेंस पता करना या पैरीमीटर पता करना है, कि मान लो जिथों मैं चलना स्टार्ट करा वापस घूम के मैं इत्थे आवां तो किन्नी डिस्टेंस कवर करूँगा। सो इहनूं आपां किवें फाइंड करांगे, पैरीमीटर दैट इज़ इक्वल टू 2πr। हुण पाई की वैल्यू पुट करो, पाई की वैल्यू किन्नी है 22/7, आर की वैल्यू किन्नी है 7। 7 नाल 7 की हो गया कैंसल, 2 नूं 22 नाल मल्टीप्लाई किया तो पैरीमीटर कितना आ गया 44 cm। दैट मीनस जदों मैं इत्थों चलना स्टार्ट किया सर्कल दे विच ओके, तो जदों वापस घूम के इत्थे आया टोटल किन्नी डिस्टेंस कवर की मैं 44 cm। दैट इज़ पैरीमीटर ऑफ सर्कल। तो इहदा फॉर्मूला की है पैरीमीटर का, 2πr। नैक्सट इज़ द एरिया ऑफ सर्कल। नैक्सट आप डिस्कस कर जा रहे एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ आ सर्कल। जिवें आपां रैक्टेंगल का पढ़िया सी, रैक्टेंगल का की हुंदा लेंथ इनटू ब्रेड, स्केयर का पढ़िया सी साइड इनटू साइड, रैक्टेंगल सॉरी ट्रैंगल का हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, पैरेललोग्राम का पढ़िया सी बेस इनटू हाइट। उस तरह सर्कल का एक एरिया हुंदा, ये कदे नाल हुंदा अपने कोल रेडियस नाल एसोसीएटेड हुंदा। तो सर्कल का जो एरिया ए दैट इज़ इक्वल टू पाई आर
स्केयर। फॉर्मूला की अपने को पाई आर स्केयर, आर स्केयर का मतलब की है आर नू दो बार लिखांगे इस तरीके नाल, पाई इंटू आर इंटू आर, आर इंटू आर दो, देखो दोवां दा बेस सेम है, जो बेस सेम होंगे ना पावर की होंगे ऐड, वन प्लस वन कि हो गया टू, सो एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्केयर। जिम्मे आप इसे क्वेश्चन डिस्कस करिए, अपने को है रेडियस सैवन है, अपन क्वेश्चन आ गया फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस सैवन सेंटीमीटर। मैंने उन्हें क्या इस जो सर्कल है इनका एरिया कितना है ये चीज़ फाइंड करके दसो। हम देखो आर की वैल्यू कितनी गिवन है मैनू सैवन सेंटीमीटर, रेडियस गिवन है सैवन सेंटीमीटर, तो एरिया कितना आएगा पाई आर स्केयर, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्केयर का मतलब 7 × 7, आर नू कितनी बार लिखूंगा मैं दो बार, 7 × 7 की हो गया कैंसल, सो एरिया कितना आ गया 22 × 7 दैट इज 154 सेंटीमीटर स्केयर। तो टोटल जो सर्कल का इहदा एरिया कितना आ गया 154 सेंटीमीटर स्केयर। कई बार क्वेश्चन दे विच के डायामीटर गिवन हुंदा, डायामीटर डायामीटर की हुंदा जो सेंटर दे विचों लाइन क्रॉस करती है दैट इज डायामीटर, आर दैट इज ऑलसो आर, सो डायामीटर नू डी नाल लिखदे हां दैट इज इक्वल टू 2r, मतलब डायामीटर की होंगे रेडियस नू 2 नाल मल्टीप्लाई करके आता, तो आप रेडियस किवें फाइंड करांगे इतों डी बाय 2। कई बार क्वेश्चन दे विच आपां नू डायामीटर गिवन हुंदा, मान लो क्वेश्चन है अपने कोल, क्वेश्चन है अपने कोल फाइंड द रेडियस ऑफ, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल ऑफ डायामीटर, आपां नू डायामीटर गिवन है, डायामीटर आपां नू गिवन है क्वेश्चन का दैट इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो सब तो पहला ही करांगे आपां रेडियस फाइंड करांगे, रेडियस किवें फाइंड करांगे डायामीटर डिवाइड बाय 2, डायामीटर नू जदों 2 नाल डिवाइड करांगे दैन वी विल गैट द रेडियस, सो रेडियस किन्नी आ गई 14/2, 2 नू 14 नाल कट के किन्ना आ गया 7 सेंटीमीटर। उस तो बाद एरिया फाइंड करन दा सेम मैथड है, क्योंकि डायामीटर नाल आपां एरिया फाइंड नहीं कर सकते, फॉर्मूला डिफरेंट बन जाएगा अपने कोल, वो टफ है थोड़ा जिहा, इसलिए पहला डायामीटर तो आपां रेडियस फाइंड करांगे, उस तो बाद रेडियस तो आपां की है एरिया या पैरीमीटर जो भी पूछे आपां फाइंड कर देंगे। तो ध्यान रखना जदों भी डायामीटर दिता है पहला उसका हाफ करके रेडियस फाइंड करो, उस तो बाद एरिया या पैरीमीटर जो भी पूछे वो फाइंड करो। नैक्सट एक्सरसाइज, नैक्सट वीडियो के आप एक्सरसाइज स्टार्ट करांगे।